आज मैं आपके सामने आलू की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को जरा से भी मिस मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा फ्रेंड। एक आलू से पूरे परिवार के लिए भर पेट नाश्ता मैं बनाकर दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो देखिए कैसे ये बनता है, चलिए देखा जाए। तो ये देखिए मैंने एक भगोना ले लिया है, इसमें आलू को कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे बारीक कर सकते हो या थोड़ा सा मोटा, तो मैं मोटे वाले से ही करूँगी। इसको बारीक कद्दूकस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड कि ये रेसिपी इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी लग रही थी खाने में। एक आलू से ही मेरे पूरे परिवार में पूरा दम बहुत मज़ा आया खाने के बाद। तो आप वीडियो को पूरा स्किप ना करें फ्रेंड, देखें अंत तक देखें। तो ये देखिए आलू को मैंने घिस लिया है। अब इसे पानी से जो इसका जो भी इसमें धूल मट्टी होगा उसको धोकर मैं निकाल लूँगी। छान लेना है इस आलू को। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है फ्रेंड, मैं एकदम नई तरीके की रेसिपी आपको आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देख सकते हैं इसका पानी मैंने निकाल लिया है। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड। तो मैं हूँ अनीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं अब ये कैसे बनेगा। तो इस आलू को जो है मैंने घिसा है, इसका मैं निकाल लूँगी ताकि इसमें पानी का नमी ना रहे, तब ये नाश्ता अच्छा बनेगा फ्रेंड। एक आलू से आप पूरे परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब इसका पानी पूरे तरीके से निकल चुका है फ्रेंड, देख सकते हैं पानी नहीं है इसमें। तो इसमें मैं एक प्याज मैंने बारीक काट लिया है लंबे पीस में, तो इसको भी मैं डाल दूंगी। इसका पूरा लच्छा मैंने छोड़ा लिया है, इसको भी डाल देना है। ये थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची लिया है, इसको भी मैं डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने डाला है। ये देखिए पिज्ज़ा ऑरेगानो है जिसमें पिज्ज़ा में डाला जाता है फ्रेंड, वो मैंने थोड़ा सा डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चीज़ है थोड़ा सा घिस कर इसमें मैं डाल दूँगी। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने आटा गूँथ लिया था, मेरे गूँथे हुए आटा जो मेरा बचा हुआ था सुबह का, उसी का मैं नाश्ता आपको बना कर दिखा रही हूँ। तो इसे अच्छे तरीके से बेल लेना है रोटी की तरह। इसका चारों लोइयों को मैं अच्छे तरीके से बेल कर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं टमाटो सॉस लगाऊँगी, आपके पास जो भी है वो डाल सकते हो। अब मैं इसमें आलू जो बचा था उसमें मैं नमक लास्ट में मिलाए फ्रेंड, वरना ये पानी छोड़ देती है। तो इसमें भी छा लेंगे, ये जो बेटर है इसके ऊपर रोटी के ऊपर लगा लेंगे। अब एक रोटी इसके ऊपर ऊपर से तोप देंगे। अब इसके ऊपर मैंने पिज्ज़ा सॉस लिया है, इसको ऊपर लगा लेना है अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर भी मैं आलू और प्याज का बेटर लगा दूँगी, फिर इसके ऊपर एक रोटी रख दूँगी। अब ये मैंने ग्रीन चटनी लिया है चिली सॉस, इसको भी मैं डाल दूँगी। अब इसके ऊपर जो लास्ट बचा है वो भी मैं इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट और एकदम फ्लेवर अच्छा आए। तो है ना ये कमाल का नाश्ता, तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो एक कढ़ाई मैंने बैठा लिया, उसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है। अब इसको मैं 10 मिनट तक भाप में पका लूँगी। देख सकते हैं ये थोड़ा अभी कम पका है, तो इसे और 1 से 2 मिनट पका लेना है। तो आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड, ये रेसिपी जब आप अपने घर पे बनाओगे तो आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि आप बाज़ार का भी रेसिपी खाना भूल जाओगे। तो ये देखिए मैंने मैदा लिया है, इसका मैं घोल बना लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, इससे हाजमा अच्छा रहता है फ्रेंड। तो इसको मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑरेगानो है, इसको भी मैं डालूँगी। ये लाल मिर्च कुटी हुई है, इसको भी डाल दूँगी। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, अब इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी। तो ये रेसिपी जब बनकर आपके घर में तैयार होगी तो सभी लोग पूछेंगे ये रेसिपी आपने कैसे बनाया, और बच्चे परिवार सभी खुश हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी और एक पिंच हल्दी और धनिया पाउडर। इन सभी को अच्छे तरीके से देखिए मैंने बैटर बना लिया है, अगर पतला लगे तो आप थोड़ा सा और इसमें मिला सकते हो मैदा। अब देखिए मेरा बनकर भाप में तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो अभी से गैस को बंद कर देंगे, अभी से ठंडा होने देंगे।
फिर देखिए ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं पिज्ज़ा साइज में काट लूँगी फ्रेंड, पिज्ज़ा कहिए या समोसा कहिए, इस तरीके से मैं इसे काट लूँगी। इसका नाश्ता बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होगा, ऐसा रेसिपी आप पहले कभी नहीं देखे होंगे फ्रेंड। तो ये देखिए है ना हेल्दी नाश्ता, बचे हुए आटा से कितना हेल्दी है, एक आलू से कितना अच्छा है नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो देखिए मैं इसे तेल में तल लूँगी, अगर आपको ज़्यादा फ्राई करना पसंद ना हो तो आप हल्का तेल में भी सेक कर इसे, क्योंकि ये भाप में पहले भी पक चुका है तो आप हल्का तेल में भी सेक सकते हो। तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड, ये देखिए ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। फिर दूसरा भी मैं डालकर इसी तरीके से सेक लूँगी। तो ये भाई आपको सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड, ये टमाटो सॉस है, अब इसके साथ मैंने ये नाश्ता से सर्व कर लिया। ये देखिए टमाटो सॉस के साथ अपने फैमिली और परिवार सभी को खिलाइए, सभी लोग खाने के बाद बहुत तारीफ़ करेंगे आपके। आप ऐसी रेसिपी आप पहले कभी नहीं देखेंगे फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आगे मैं क्या बनाऊँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने आती रहूँगी, तो फिर से मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।